हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के सिंह। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब, वैक्सीन कौन सी बेहतर है? क्या हमको वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं? वैक्सीन कितने दिनों पर लगवानी हमको चाहिए? कब लगवानी चाहिए, कब नहीं लगवानी चाहिए? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो विस्तार से वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और ही है, मेरी जो वीडियोस हैं काफ़ी लोग इनको देख रहे हैं, और लेकिन उसमें भी 42% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक करिएगा। इससे क्या है कि जैसे मैं वीडियो कोई बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले आपको वो दिखाई देगी। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। हमारे देश में अभी तक दो तरह की वैक्सीन लग रही थी, जो कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी। अब साथ में स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी आ गई है, जो कि रशियन वैक्सीन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका की तरफ से इसको विकसित किया गया है, और इसका जो उत्पादन है, जो इसको मैन्युफैक्चर इसको जो किया गया है, जो भारत की जो दवा कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। और इस तरह से जो हमारी ये कोविशील्ड वैक्सीन है, हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है और सबसे सस्ती वैक्सीन है, और इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखा जा सकता है, क्योंकि बाकी जो वैक्सीन है और दूसरे देशों की, उसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे -70, जो कि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। और इसलिए जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन, बहुत सस्ती अच्छी वैक्सीन है, और लगभग 62 देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसकी जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के जो बीच अंतर है, ये लगभग 84 दिन का है, 12 से 16 सप्ताह का। तो ऐसे करने से इसकी जो एफिकेसी है वैक्सीन की, वो 80 से 85% तक बहुत आसानी से हो जाती है। और इस वैक्सीन के अंदर नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, आप इसको भी लगवा सकते हैं। और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो कोवैक्सीन भारत की जो दवा कंपनी है, भारत बायोटेक ने इसको विकसित किया है। साथ में इसमें ICMR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से इसको विकसित किया गया है। और यह अपने देश की वैक्सीन है, देश में निर्मित है, देश में बनाई गई है, देश में विकसित की गई है। और जो भारत बायोटेक है, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जो आइसोलेटेड कोरोना वायरस हैं, उनको वहां से लिया गया है, और इस वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में डाला गया है। क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है कि वो नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं, मतलब शरीर के अंदर जाएंगे तो आपको कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और वो रेप्लिकेट भी नहीं करते हैं। और इस तरह की हम वैक्सीन पहले से भी हम प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, पर्टूसिस की वैक्सीन है, रेबीज की वैक्सीन है, और जापानीज एंसिफेलाइटिस की जो वैक्सीन है, इसमें भी नॉन रेप्लिकेटिंग जो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस है, उनको डाला जाता है। और ऐसा डालने से क्या है कि ये जो कोवैक्सीन है, जो अब तरह के जो कई म्यूटेंट जो कोरोना वायरस के मिल रहे हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो कोवैक्सीन है, इसकी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो अंतर है, वो लगभग 28 दिन का अंतर है, जो कि 4 से 6 सप्ताह होता है। और इस तरह से जो वैक्सीन, ये कोवैक्सीन है, ये बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव है, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो लगभग 80 से 85% तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। और साइड इफ़ेक्ट दोनों के लगभग वही आते हैं, जो कि इस इंजेक्शन साइट पर आप लगेगा, वहाँ पे थोड़ा पेन भी होगा। और जब वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो थोड़ा बहुत बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जब बनाता है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी किसी किसी में आ जाता है। और ये इसके, और दूसरे दिन फिर हल्की बहुत थकान भी किसी किसी को महसूस हो सकती है। तो ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है, जो कि हर वैक्सीन के साथ होता है, और कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं होती है, इस चीज़ को भी आपको जानकारी चाहिए होनी चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद
जो संक्रमण होने की जो दर है, जो संक्रमण का जो खतरा है, वो आपको काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और आपको वैक्सीन लगने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमको वैक्सीन लग गई है तो हम बिल्कुल अब 100% सेफ हो गए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन आपको फिर भी बना के रखने हैं। और तीसरी जो वैक्सीन हमारे देश में अब चल रही है वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है। यह वैक्सीन एक रसिया की वैक्सीन है और इसमें जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है ये भी एक तरह से इसमें भी वायरस को डाला गया है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट डोज में अलग वायरस है और सेकंड डोज में बिल्कुल अलग वायरस है। तो ये स्पुतनिक जो वैक्सीन है ये रसिया की सबसे फास्ट काम करने वाली और सबसे पहले डेवलप होने वाली वैक्सीन है। अब हमारे देश में इंडिया में भी इसको डेवलप किया जाएगा जो कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है, साथ में जो 5 कंपनी और हैं उसको इसको बनाने का काम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी डोज प्रोड्यूस की जा सके जिससे कोरोना को फैलने से और रोका जा सके। तो इस तरह से जो ये वैक्सीन की जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसमें सबसे डिफरेंस केवल यही है 2 डोज के बीच 21 दिन का अंतर है, मतलब बहुत तेज काम करती है। और दूसरा फर्स्ट जो डोज है वो अलग वैक्स उसमें वायरस है और सेकंड डोज में अलग वायरस है, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो केस में है वो वायरस दोनों में एक ही है, मतलब ए फर्स्ट डोज भी सेम है सेकंड डोज भी सेम है, लेकिन स्पुतनिक के केस में ये थोड़ा डिफर है। और अभी स्पुतनिक कुछ जगह पर ही लगाई जा रही है। यदि हम वैक्सीन की सुरक्षा की बात करें तो जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी लगभग सेकेंड डोज लगने के बाद जो 84 दिन बाद आपको लगेगी वो 80-85% तक एफिकेसी है उसकी, और कोवैक्सीन की भी इतनी है। और हमारी जो एक स्पुतनिक वैक्सीन जो रसिया की वैक्सीन आई हुई है इसकी जो एफिकेसी है वो 91% तक है। तो इस तरह से इसकी वैक्सीन है, लेकिन जब आप कहीं भी साइट पर जाएंगे तो आपको चॉइस बिल्कुल नहीं दी जाएगी कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, जो भी वैक्सीन वहाँ पर उपलब्ध होगी वो ही आपको लगाई जाएगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे बिना डरे कोई भी वैक्सीन जो आपको मिल रही है अवेलेबल है वही आप लगा लीजिए, लगभग सभी का सेम ही रिजल्ट है। तो ये आपकी चॉइस बिल्कुल नहीं है कि आपको कौन सी लगवानी है, जो आपको मिले वो वैक्सीन लगवा लीजिएगा और अपने आप को अपने परिवार को बचा के रखिएगा, क्योंकि वैक्सीन लगने से जो कोरोना वायरस के जो घातक परिणाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी वैक्सीन आप लगवाना चाहें तुरंत लगवा लीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आपको घातक परिणाम नहीं आएंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर पर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए अपनी बारी आने पर कोरोना की वैक्सीन ज़रूर से लगवाइएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, थैंक यू।